दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी स्लीवलेस ब्लाउज को नया लुक कैसे दें। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि देखिए मैंने ये ब्लाउज डिजाइन बनाई है, बैक साइड डिजाइन है इसकी, और इसी का मैं ये फ्रंट पार्ट भी बना रही हूँ जो कि नॉर्मल ब्लाउज को कन्वर्ट कर रही हूँ। और मैंने ये स्लीवलेस में कट किया था और मैं अब चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा नया लुक दूँ, तो उसके लिए आपको बता रही हूँ क्या करना है। तो जैसे आगे पीछे के पीस हम जॉइंट कर लेंगे, जॉइंट करने के बाद जैसे शोल्डर पर जॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद आप जैसे नॉर्मल यहाँ पर स्लीवलेस की फिनिशिंग दे देते हैं और फिटिंग कर लें। जब आप फिटिंग कर लें तब भी डिजाइन आप इसमें दे सकते हैं। तो इन सबको मैं साइड में रखती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने ये कुछ कपड़ा कट किया है, आपको साइज बता देती हूँ। देखिए ये डबल फोल्ड में 14 इंच है और ये इस तरह सिंगल से देखेंगे 28 इंच लंबा पीस है ये। इसी तरह मैंने दो पीस कट कर लिए हैं दोनों साइड की स्लीव के लिए। और देखिए अभी हम इसकी चौड़ाई भी बता देते हैं। देखिए इसकी चौड़ाई 6.5 इंच ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कपड़े को यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ से लेके पूरा इसको यहाँ तक स्टिच कर लिया है, इस साइड में खुला रखा है। और अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए ये मैंने पलट दिया है, पूरा पलट गया है, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और अभी हम इसमें प्लेट डालते हैं। तो देखिए मैंने जैसे बताया था, एकदम छोटी छोटी प्लेट हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें फ्रिल डाल दी है, जो यहाँ पे खुला था यहाँ पे भी मैंने स्टिच कर दिया है। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और देखिए मैंने एक मोती वाली लेस ली है और एक प्लेन ली है, जो कि मैं इस तरह से मोती वाली लेस को अंदर की तरफ लूँगी, यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा, और गोल्ड वाली बाहर की तरफ आएगी क्योंकि हमारे ब्लाउज में भी ये लेस हमने अटैच करी है, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और देखिए इसके लिए मैंने फुटर चेंज कर लिया है, अभी स्टिच कर। तो देखिए ये हमने लेस लगा दी है, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अभी हम ब्लाउज में अटैच करते हैं। जैसे कि मैंने अभी फिटिंग नहीं दी है ब्लाउज की, ओनली फिनिशिंग दे ली है आर्म होल की, इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे 4 इंच लेते हैं, 2 इंच इस साइड के पार्ट में और 2 इंच इस साइड के पार्ट में, दोनों में 2-2 इंच ले लेते हैं सेंटर पार्ट से, तो टोटल आप 4 इंच का गैप हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर ये जो स्लिप बनाई है हमने, इसको यहाँ से इस तरह से अटैच कर देंगे, देखिए यहाँ तक इस तरह से एक ही सिलाई। पहले हम यहाँ पे एक सिलाई डाल लेते हैं, सेट कर देते हैं एक सिलाई टांका लगा। तो देखिए ये सेट हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिचिंग। मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने अभी पूरे में सिलाई नहीं डाली है। तो इस पार्ट को भी हम यहाँ से इस तरह से सेट कर लेंगे और इस साइड से भी, और यहाँ पे हमें लेस लगा के जैसे नॉर्मल फिटिंग देते हैं सेम उसी तरह से फिटिंग देनी है। तो देखिए ये स्लिप हमने यहाँ पे लेस भी लगा दी थी, और देखिए यहाँ पे मोती लेस भी आ रही है और ये हमारे गोल्ड कलर की लेस आ रही है। और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हमारी ये स्लिप है, और साइड हमने फिटिंग कर दी है दोनों साइडों में, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लुक आ रहा है इस ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप स्लिप लेस ब्लाउज को नया लुक दे सकते हैं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।